नागनी माता मंदिर कमेटी कंडवाल बरंडा हिमाचल प्रदेश के विधि पूर्वक पूजा अर्चना और भंडारे के साथ शुरू हुए श्रावण मास के मेले 20 जुलाई से 14 सितंबर तक चलेंगे। माता जी के मेले में श्रद्धालुओं की खरीदारी के लिए सजी विभिन्न प्रकार की दुकानें, वहीं बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए। माता नागनी जी के मेले में पंजाब, हिमाचल, जम्मू, हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने। श्रद्धालुओं में मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। यहाँ पर नागनी माता का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हर साल मेले लगते हैं, सभी लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। बहुत श्रद्धा है लोगों की इस मंदिर के ऊपर, और यहाँ पर आकर हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। सच्चे मन से जो भी मत्था टेके यहाँ पर आकर, हर एक दिल से मनोकामना उनकी पूरी होती है। बिल्कुल संतुष्ट है, हर साल यहाँ पर इतनी पब्लिक आती है, सभी का ध्यान रखा जाता है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पर, कोई रश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैम लगता नहीं है मैटिक से जो श्रद्धालुओं का जो चढ़ता है, जो पैसा है, सदुपयोग होता है? बिल्कुल सदुपयोग होता है, पहले से ज़्यादा मंदिर में सुधार आप देख सकते हैं। पहले जैसे यहाँ पर खुले में वो रास्ते में भी टाइल्स वगैरह लगे हैं, पहले काफ़ी रास्ता ठीक नहीं था, अब रास्ता बिल्कुल ठीक है। मंदिर में हम हर साल ही आते हैं और अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आपको लगता है कि पिछली बार के इस बार ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस होती है मंदिर की? हाँ, मंदिर में हर साल मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस होती है यहाँ पे, जब भी आओ उससे हर साल मतलब ज़्यादा ही प्रोग्रेस होती है। मंदिर की ओर से जो सुरक्षा के प्रबंध किए गए यात्रियों के लिए, क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। काफ़ी देर से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं देखा भी कई बार यहाँ आने से पता चला है कि यहाँ पे माता रानी की बहुत मेहर है, और नागनी माता जो है भी यहाँ पे सांप के कटे हुए का इलाज होता है, तो वो कुछ भी नहीं भी होकर भी हमें ऐसे एक दो बार आने से आस्था हुई। तो हम कई बार, आज तो हम एक दो आदमी आए, लेकिन काफ़ी परिवार के साथ भी हम आते रहते हैं, और ये यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है। पंजाब का भी कोई 120 किलोमीटर से हमको तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत दूर है, और मैं तो चाहता हूँ भी ऐसी यहाँ पे काफ़ी उन्नति भी हुई है। हम 10-12 साल से देख रहे हैं भी जो 10-12 साल पहले था उससे आज बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ डेवलप हुई है। ये हम दी न्यू ट्रक ऑपरेटर यूनियन जसूर की ओर से 44 साल से माता कंडवाल नागनी में हर साल वार्षिक पहले सप्ताह का जागरण बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये जागरण पूरे कमेटी की व यूनियन के सहयोग से अच्छी तरह से चलाया जाता है। आपका हार्दिक अभिनंदन है ट्रू फोक्स वालों का, जो आज माता के दरबार में आए हुए हैं। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि हमारी कमेटी के सलाहकार श्री हरि सिंह जी, प्रधान जसवंत सिंह जी, प्रधान श्री विष्णु सिंह जी, हमारे सेक्रेटरी सचिव श्री किशोर लाल जी और मेरे साथ मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं। पूज्य माता जी का प्राचीन मंदिर है, लगभग 120 साल पुराना मंदिर है, और इस मंदिर की बहुत सारी महत्ता है, जो भी मन्नत लोग मानते हैं पूरी होती है। और उसकी विशेषता यह है कि जो श्रावण मास में जो पहला शनिवार आता है उससे हमारे माता जी के मेले शुरू होते हैं और जो 9 शनिवार तक चलते हैं, जो इस बार 20 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक चल रहे हैं। और मेलों के दौरान हमारे यहाँ भंडारों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे ट्रक यूनियन वालों का, बिजली बोर्ड वालों का, युवा क्लब वालों का, काफ़ी भंडारे होते हैं।
और काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं उनकी आस्था है उनकी। मेले आज पहला मेला है, ट्रक यूनियन का लंगर है यहाँ। हर मेले को मतलब कोई तो कोई जो है वो लंगर चलाए रखता है, और जितनी भी मतलब जनता आती है मत्था टेकने के बाद अपना प्रसाद ग्रहण करती है, और हमारे पास जितनी भी जनता आती है उनकी सुविधा के लिए हमने पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है, हर एक चीज़ का बंदोबस्त। जहाँ रहने का बारिश की वजह से भी मतलब छत बनाए हुए हैं, हर जगह रुकने का बंदोबस्त बहुत है। जी सर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पुलिस की ओर से मेले के प्रबंध में मतलब सुरक्षा के कैसे प्रबंध किए गए सर आपके? अच्छे प्रबंध किए गए सर। कितने मतलब कर्मचारियों की ड्यूटी लगी जहाँ पे सर? आज तो लगभग कोई 15-20 आदमी थे। इसमें महिला कर्मचारी कितने? 10 के करीब। संवाददाता रजनीश कालू की विशेष रिपोर्ट।